हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम टमाटर स्टोर करने जा रहे हैं, तो सोचा आपके साथ शेयर करें, क्योंकि कमेंट भी आए थे कि टमाटर स्टोर कैसे करते हैं, आप शेयर करिए। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कि हम कैसे करते हैं टमाटर स्टोर। तो हमने यहाँ 1 किलो टमाटर लिया है और हम आधा आधा कर लेंगे, आधा किलो एक दो तरह से हम करेंगे स्टोर। तो हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, टमाटर कितना महंगा भी हो गया था, आप ज़्यादा टमाटर अगर ख़रीद लो या कहीं सस्ता मिल रहा है तो चलो 1 किलो ले लो, आधा किलो ले लो, तो सोचो कि ख़राब ना हो। फ्रीज़ में रख दो तो ख़राब होने का भी डर रहता है, कुछ दिनों में ख़राब हो जाता है, तो इसलिए स्टोर करके रख लो फ्रीज़र में, तो बहुत अच्छा रहता है। और जब निकालो ना तो बिल्कुल ताज़े की तरह लगता है, आपको लगेगा नहीं कि हाँ इतने दिन का स्टोर किया, महीनों आप रख करके इसको खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आधा किलो जो हमने अलग किया था, इसको हमने ऐसे काट करके जड़ निकाल देंगे और ऐसे काट करके स्टोर करेंगे। और जब इसको निकालेंगे ना तो इसका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, बस इसका ढक्कन लगा करके हम फ्रीज़र में रख देंगे और फिर हम कल आपको दिखाएंगे कि ये कैसे रहता है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको पीस लेंगे, तो मिक्सर ग्राइंडर में इसको हम बारीक पीस लेंगे, क्योंकि कोई कोई रेसिपी ऐसी होती है कि जिसमें हमें पेस्ट बना करके डालना होता है, प्योरी बना करके, तो उसके लिए हम ये पीस करके रखेंगे। और हमने ये फ्रीज़र का जो बर्फ़ जमाने वाला ट्रे होता है वो हमने ले लिया है। आप चाहें तो किसी प्लेट में बना करके जमा करके काट भी सकते हैं पीस पीस, तो इसमें आराम से ना बहुत अच्छे से पीस निकल जाता है, तो इसलिए हमने यही ले लिया है। तो आप चाहें तो आप भी इसमें, एक टमाटर का 2 खाने में अटता है, इसमें हमने मेज़रमेंट कर लिया था 1 टमाटर का 2 खाने में। तो इसको भी फ्रीज़र में रख देंगे। तो अब दूसरे दिन हम निकाल करके देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे दिन कैसे अच्छे से जम गया है। पहले ये वाला देखते हैं कटा हुआ, तो कटा हुआ देखिए पूरा बर्फ़ जम गया है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ताज़ा लग रहा है आपको। इसको एक उठाएंगे, छिलका भी हम चाहें तो इसको हम छोटा छोटा और टुकड़ा करके भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा हमने काटा है तो इतना ही बड़ा डाल दें। ये देखिए कितनी आसानी से छिलका उतर जा रहा है। और इसको टुकड़े करके डाल दें या इतना बड़ा डाल देंगे तब भी गल ही जाएगा, टमाटर सॉफ्ट होता है इतना। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो पीसने वाला पीसा हुआ हमने रखा था ट्रे में, तो इसको भी देखिए कितनी आसानी से अभी निकल जाएगा। ये देखिए, तो प्योरी डालना हो, एक टुकड़ा उठाइए, दो टुकड़ा उठाइए, अपना डाल दीजिए सब्ज़ी में आसानी से। जो जॉब वाली औरतें होती हैं उनके लिए आसानी है। और आप इस तरह डिब्बे में रख करके आप फ्रीज़र में रख दीजिए, जब आपको ज़रूरत हो तब निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।